हेलो एवरीवन, ज्योति के आइडियाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चले आज नाश्ते की रेसिपी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आज एक जो मेन कोर्स में हम लोग खाने में जो सब्जी बनाते हैं, कोई भी एक सब्जी, तो उसकी मैं रेसिपी दिखा रही हूँ जो मेरे घर में बहुत ही, मतलब सब लोग बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। तो वो रेसिपी मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे जो फूल गोभी आती है, फूल गोभी और तुवेर के, जो तुवेर होती है हरी तुवेर की सिंग, उसके ये दाने हैं मैंने निकाल लिए हैं। देखिए बहुत अच्छे आते हैं ये ठंडी में। और ये लिया है फूल गोभी, मैंने कट करके लिया है, बहुत छोटे पीसेस नहीं है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं, ठीक है। ये मैंने लिए हैं, ये है लगभग 300 ग्राम जितनी फूल गोभी है, और ये है 250 ग्राम तुवेर के दाने, ठीक है। इनकी बहुत ड्राई सब्जी नहीं बनेगी, थोड़ा सा लिक्विड होगा ग्रेवी के साथ, ठीक है। जो रोटी के साथ हम आसानी से खा सकेंगे उतना ही ग्रेवी होगा। चलिए ये दो हो गए। यहाँ पे मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है गोभी को फ्राई करने के लिए, ठीक है। तब तक मैं आपको पहले बता दूं कि मसालों में क्या क्या डलेगा, ठीक है। मसालों में सबसे पहले लिया है मैंने एक प्याज, ठीक है, मीडियम साइज का प्याज है। एक लिया है मैंने टमाटर, और ये है ड्राई कोकोनट, ठीक है, जो कोपरा आता है वो लिया है। इन सबको मैं बारीक कट करके तेल में फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, ठीक है। और कुछ लिए है मैंने ये गरम मसाले, ठीक है, उसमें क्या क्या डलेगा वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है सौंफ, ठीक है, ये सौंफ ली है एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच सौंफ ली है। ये लिया है एक तेज पत्ता, ठीक है, ये ली है मैंने छोटा सा इलायची का थली, दालचीनी का टुकड़ा, बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। और मैंने पाँच ली है यहाँ पे काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, और दो से तीन ली है मैंने लौंग, ठीक है, दो से तीन लौंग ली है, और छोटी इलायची ली है दो, ठीक है, ये रही दो छोटी इलायची ली है। ये बहुत स्ट्रांग होती है तो कम से कम ही डालिएगा। और कुछ लिए मैंने ये स्टार फूल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली नहीं पता, ठीक है, स्टार फूल बोलते हैं पहले से, तो मैं भी इनको स्टार फूल ही बोलती हूँ। ये रही बड़ी इलायची, ठीक है, एक डालेंगे इसमें बड़ी इलायची। ये जाएगा दगड़ फूल, इसको दगड़ फूल ही शायद बोलते हैं। और लास्ट में जब सब्जी बन जाएगी तब ये कसूरी मेथी हम लोग ऊपर से डालेंगे, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है कसूरी मेथी की। अगर आप दाल बनाओ, पंजाबी दाल, राजस्थानी दाल, तो ये ऊपर से डालें क्रश करके हाथ में, जैसे हम अजवाइन करके डालते हैं वैसे, बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये मसालों को, प्याज और टोमेटो और ये ड्राई कोकोनट को हमें अच्छे से कट करके डार्क ब्राउन होने तक इनको सेक लेना है, और फिर इनका मिक्सी में पेस्ट करना है, ठीक है। तो इनको अभी मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम लोग गोभी फ्राई करेंगे, ठीक है। गोभी फ्राई करने के लिए मैंने तेल को चढ़ा दिया है, चलिए तेल मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पे अच्छे से तेल गरम हो चुका है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग डालेंगे गोभी के पीसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है हमको, ठीक है, ध्यान से डालिएगा। जिसमें मुझे सब्जी बनानी है मैंने उसी पैन में ये तेल गरम करने के लिए रख दिया, ठीक है। थोड़े थोड़े करके पीछे डालिएगा, और तेल से थोड़ा सा दूरी खड़े रहिएगा, क्योंकि ये गोभी होती है मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिए है, इनको ड्राई भी किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर तो उसमें होता ही है, ठीक है। इनको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हमें इनको फ्राई करना है, ठीक है। गैस की आंच मीडियम पे रखिएगा, मीडियम एकदम लो पे रखोगे तो भी चलेगा, ऑयल गरम है तो ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, ठीक है।
बहुत सारा, इनको बहुत देर तक भी नहीं रखना है, नहीं तो ये फ्लावर जो है ऑयल सोक कर लेगा। ठीक है, तो इन सब को मैं एक बार फ्राई कर लेती हूँ, फिर हम आगे की सब्जी बनाएंगे। ये फ्राई करके मैं ग्रेवी भी बना लेती हूँ, जो अनियन टोमेटो मैंने ग्रेवी का आपको बताया है वो मिक्सी में सब शैलो फ्राई करके एक बार मिक्सी में, जैसे हम लोग बिरयानी के लिए प्याज शैलो फ्राई करते हैं, उसी तरह से हमको प्याज टोमेटो और सूखा जो नारियल है उनको गर्म करता है। ठीक है, चलिए इन सबको मैं अभी फ्राई कर, चलिए ये मैंने गोभी फ्राई कर लिए हैं और तेल भी मैंने निकाल दिया है, और जितना मुझे सब्जी के लिए चाहिए उतना मैंने रखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा जो भी तेल में आप सब्जी फ्राई करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने अभी गोभी फ्राई किया तो तेल काफ़ी बच गया है। आलू फ्राई करते हैं हम लोग कभी कभी, नॉनवेज अगर खाते हैं तो अंडा भी हम लोग फ्राई करते हैं, भजिए बनाते हैं, कुछ भी ऑयल में बनाते हैं, तो जो बचा हुआ ऑयल होता है वो किसी भी सब्जी में कभी भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर ये जैसे समझो कि ये मैंने अभी फूलगोभी इसमें फ्राई किया है, तो जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट होता है या स्मेल होती है वो पूरी ऑयल में चली जाती है। ठीक है, अगर आप कोई और सब्जी बनाएंगे और वही तेल उसमें डालेंगे तो वो ये फूलगोभी की भी सुगंध या टेस्ट उसमें चला जाएगा, जो मेन सब्जी बनी है उसका टेस्ट ही आपको नहीं आएगा। तो वो तेल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग आटा गूंथते हुए तेल डाल देते हैं रोटी में, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हम लोग जैसे मसाले भूनते हैं, खड़े मसाले भूनते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हो वो तेल। ठीक है, तो सब्ज़ी में मत यूज़ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है एक सब्जी का टेस्ट दूसरी में मिक्स हो जाता है, तो जो मेन सब्जी होती है उसका टेस्ट ही आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने दाने भी मैंने धो के अच्छे से पानी इसमें से पूरा निकाल लिया है, जो मसाला मैंने आपको बताया था वो मैंने अच्छे से इसे फ्राई करके इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, पेस्ट बना लिया है, मैंने सब मिक्सिंग में कर लिए। एक प्याज जो मैंने मसाले बताए थे आपको वो गरम मसाले, एक प्याज है, एक टमाटर है, और डाला हुआ है थोड़ा सा लहसुन, सॉरी मैं लहसुन आपको बताना भूल गई, लहसुन डाली है मैंने 5-6 कली और छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाला हुआ है। ठीक है, वो बताना मैं आपको भूल गई मसालों में, और डाला है मैंने ड्राई कोकोनट जो होता है मसाले में, आप भूनेंगे सब्जी में बहुत ही उसकी मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम इस मसाले को अब अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो अच्छे से इसमें पहले डालेंगे हम लोग थोड़ी सी राई डालेंगे, ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हींग। ठीक, बहुत थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग के बाद डालेंगे हम लोग ये पूरा मसाला जो मैंने मिक्सी में पूरे मसाले का ब्लाइंड किया हुआ है उसको डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोगों को शायद खुशबू नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग देख के ही इमेजिन कर लीजिए, या इमेजिन मत कीजिए, आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है ये खुशबू, मतलब खुशबू भी अच्छी लगती है और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी टेस्ट। ठीक है, देखिए अच्छे से इसको तेल छूटने तक हमको फ्राई करना है। मैंने जो डाला था अनियन टोमेटो जो मैंने फ्राई कर लिए थे, शैलो फ्राई किए थे, तो ऑयल में ही फ्राई किए थे। ठीक है, तो हमको ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ऑयल छोड़ने लगेगा, ऑयल छूटने तक इसमें बबल्स आने तक हमको इसे गर्म करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी, और ये जो सब्जी बनेगी इसके साथ में आप लोग पराठा बना सकते हो, या फिर तंदूरी के साथ भी इसको खा सकते हो, और साथ में थोड़ा सा जीरा राइस रखिएगा, थोड़ा सलाद रखिएगा, और छाछ के साथ इसको सर्व कीजिएगा, फुल कंप्लीट मील हो जाएगा। जो बच्चे पत्ता गोभी ये सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये ग्रेवी ऐसी है जिसमें आप पत्ता गोभी बना सकते हो, आलू की सब्जी बनानी हो भरवा आलू इसमें बना सकते हो, अगर भिंडी बना देते हो भिंडी फ्राई तो वो भी इसमें बना सकते हो,
ठीक है, एक ग्रेवी में बहुत सारे आइटम्स बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा मसाला चेंज करके डाल दीजिए, मतलब समझे कि कभी इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली हुई है, तो आप किसी सब्जी में हरी मिर्च डाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे वो इसको देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है, बबल्स आ गए हैं और ये ऑयल देखिए साइड से पूरा छूट गया है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़े थोड़े से हम मसाले डालेंगे, थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी, मैंने हल्दी डाली थी पिसते टाइम भी, थोड़ी थोड़ी सी और ऊपर से डालेंगे, फिर जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च और जाएगी थोड़ा सा ये मसाला, गरम मसाला है ये थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी गरम मसाले डले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ज़रूर मुझे जो भी बनाएगा सब्जी घर पे कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका टेस्ट आपको कैसे लगा। ठीक है, अब ये मसाले सारे भून चुके हैं, नमक हम लोग लास्ट में डालेंगे और कसूरी मेथी भी हम लोग लास्ट में डालेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि हम सारे मसाले मतलब सब्जी जब बन जाएगी तब हम लोग उसको डालेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छे से हो गए। इसमें पहले डालेंगे हम लोग ये तुवेर के दाने, ये तुवेर है लीली तुवेर जिसकी दाल बनती है उसकी, यहाँ पे ये ठंडी में बहुत ये 3-4 महीने बहुत ही अच्छी मिलती हैं, तो इनको डालेंगे मसाले में, अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसको हम मेथी में डाल के यूज़ करते हैं, रिंग बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, ठंडी में जितनी सब्जी आती है उसके साथ ये तुवेर के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी तो यहाँ पे कचौरी बनती है, इसकी कचौरी बनती है। चलिए अब डालेंगे ये गोभी के फूल जो हमने फ्राई कर लिए, देख लीजिए आप रंग इसका, ये बहुत ज़्यादा मैंने ये नहीं किया है डार्क नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग अब अच्छे से कोट कर देंगे मसाले में, पूरा इसको कोट कर देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है हमको। ठीक है, एकदम इतनी ही रोटी में आ जाए इतनी ही हमें ग्रेवी बनानी है। ठीक है, ये देखिए कैसे हो गई, जिस कटोरी में हमने वो मिक्सचर बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने एक कटोरी पानी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, अभी एक कटोरी डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं, सब्जी पकने में बहुत बहुत तो 10 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा। फ्लावर को अभी मैंने फ्राई भी किया है, उससे पहले मैंने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था क्योंकि फ्लावर को हमेशा उबलते हुए पानी से निकालना चाहिए, गर्म पानी से, और फिर उसकी सब्जी बनानी चाहिए। मतलब मेरे घर में ऐसे ही करते हैं तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पकने देंगे, इसमें अभी बाकी रह गया हमारा नमक, नमक डाल देंगे हम लोग, स्वाद के अनुसार डालिएगा आप, कम ज़्यादा जितना भी खाते हो, कम ही डालिएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम हो जाएगा तो हम लोग फिर से थोड़ा सा डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जी में नमक हमेशा कम ही डाला कीजिएगा। चलिए अभी इसको हम 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। ठीक है, इसको हम ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि टेस्ट कैसा लगा, मसालों का आपका मेरा कॉम्बिनेशन जो है मसालों का वो कैसा लगा, और इसमें और भी आपको अगर मुझसे मतलब कुछ मैंने मसाला गलत डाला हो, ज़्यादा डाला हो तो भी आप बता सकते हो, कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी सी खामी तो सभी में होती है, तो और मैं कौन सा मसाला इसमें ऐड करके और इसको टेस्टी बना सकती हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए। ठीक है, और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। कल भी मिलेंगे इसी तरह से, मेनू नहीं बताऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी या फिर कोई सब्जी बनाऊंगी या कुछ भी, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, लेकिन पेज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। चलिए मिलते हैं कल के रसोई में।